हेलो दोस्तों, कैसे आप सारे लोग। मैं हूं गौरव और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। दोस्तों, अगर आपका एक यूट्यूब चैनल है और उस यूट्यूब चैनल के अंदर आप शॉर्ट्स वीडियो अपलोड करते हैं और अगर आपके वीडियो पे जो व्यूज हैं वो अचानक से रुक जाते हैं, तो आज की इस वीडियो को देखने के बाद आपको इसका प्रॉपर कंप्लीट सॉल्यूशन मिलने वाला है। तो आप इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक का देखते रहिए। दोस्तों, अक्सर बहुत सारे जो बिगिनर यूट्यूबर होते हैं उनके साथ ये प्रॉब्लम होती है कि जब वो अपने यूट्यूब चैनल के अंदर वीडियो अपलोड करते हैं, शॉर्ट्स वीडियो अपलोड करते हैं, तो उनकी वीडियो पे जो व्यूज है वो अचानक से रुक जाते हैं। मान लो आपने कोई वीडियो, शॉर्ट्स वीडियो अपने यूट्यूब चैनल के अंदर अपलोड करी, अब आप 2-3 घंटे बाद जब चेक करते हो तो उस पर 13 या 14 व्यू आए हैं। फिर आप 3 दिन बाद देखो, 4 दिन बाद देखो, 5 दिन बाद देखो या 1 हफ्ते बाद देखो, तो वहां पे जो व्यूज हैं वो रुक गए हैं, उस पर एक सिंगल व्यूज नहीं आए। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, जैसे मान लो आपने कोई वीडियो अपलोड करी, कोई शॉर्ट्स वीडियो अपलोड करी, उस पर 1300 व्यू आ गए। फिर आप उसको 3 दिन 4 दिन बाद 10 दिन बाद देखते हो तो उस पर 1300 व्यूज थे, एक सिंगल व्यूज नहीं बढ़े। तो ये जो व्यूज हैं अचानक से रुक कैसे जाते हैं और इसका प्रॉपर सोल्यूशन क्या है, आज की इस वीडियो में हम आपको कंप्लीट जानकारी इसके बारे में देखने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। अब दोस्तों, सबसे पहले हम यहाँ पे कुछ थ्योरी के बारे में बात करेंगे, क्योंकि इसके बारे में भी आपको जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, तो आप इसको समझो। सबसे पहले चीज देखो, आपको क्या ध्यान देना है, जब भी आप ऐसा कोई शॉर्ट्स यूट्यूब चैनल क्रिएट करते हैं तो आपको रेगुलर वीडियो अपलोड करनी है। अब मैंने बहुत सारे बिगिनर यूट्यूबर को देखा है कि जब वो अपना यूट्यूब चैनल क्रिएट करते हैं तो पहले दिन वो वीडियो अपलोड करते हैं, फिर दूसरे दिन वीडियो अपलोड करते हैं, तीसरे दिन वीडियो अपलोड करते हैं, चौथे दिन वीडियो अपलोड करते हैं, और उनकी वीडियो पे वो देखते हैं कि यार व्यूज नहीं आ रहे हैं, क्योंकि उनका नया चैनल होता है। शॉर्ट्स वीडियो पे वायरल करना इतना आसान नहीं होता। नया जो लॉन्ग वीडियो होती है और शॉर्ट्स वीडियो होती है, दोनों वीडियो को वायरल करने के तरीके अलग अलग होते हैं। तो अगर आप रेगुलर 4 दिन वीडियो अपलोड करें और आपकी वीडियो पे व्यूज नहीं आए तो आप क्या करते हो, आप गायब हो जाते हो कि 15 दिन कहीं गायब हो गए। फिर 15 दिन के बाद आपको जब होश आया तो फिर आप कोई वीडियो अपलोड करें, फिर आप बोलते हो कि यार मेरे यूट्यूब चैनल के अंदर मैं शॉर्ट्स वीडियो अपलोड करता हूँ, उसमें व्यूज नहीं आते। तो भाई, आपको रेगुलर वर्क करना होगा, आपको रेगुलर कम से कम 1 महीने रेगुलरिटी के साथ काम करना पड़ेगा, तभी आपकी वीडियो वायरल होना शुरू होगी, क्योंकि आप अपने YouTube चैनल के अंदर शॉर्ट्स वीडियो अपलोड करते हो, ये चीज आपको ध्यान देना होगा। तो आपको रेगुलर काम करना होगा, तभी आपका YouTube चैनल ग्रो होगा। दूसरी चीज, अगर आप शॉर्ट्स वीडियो अपलोड करते हो, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि लॉन्ग वीडियो को और शॉर्ट्स वीडियो को वायरल करने के तरीके दोनों के अलग अलग होते हैं, तो अगर आप शॉर्ट्स वीडियो क्रिएट करते हो तो आपको कोशिश करना है कि कम से कम एक वीडियो रेगुलर आपको अपलोड करना है। डेली आपको कम से कम एक वीडियो अपलोड करना है, और अगर आप 2 वीडियो अपलोड करते हो तो ये बहुत अच्छी बात होगी कि एक वीडियो सुबह और एक वीडियो शाम को डेली आप अपलोड कर रहे हो 1 महीने तक, तो आपको 100% रिजल्ट देखने को मिलेगा और आपकी वीडियो वायरल होना शुरू हो जाएगी, और ये जो अचानक से आपकी वीडियो पे व्यूज रुक जाते हैं ना, वो भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तीसरी चीज जो आपको ध्यान देनी है वो ये है कि अगर आप अपने YouTube चैनल के अंदर शॉर्ट्स वीडियो अपलोड करते हो और हर 4th से 5वीं वीडियो पे अगर एवरेज परसेंटेज व्यू 90% से ज्यादा आ रहा है, तो यकीन मानो आपकी वीडियो पे जो ये व्यूज रुकने वाला चीज है ना, ये खत्म ही हो जाएगा और आपकी वीडियो वायरल होना शुरू हो जाएगी। लेकिन रेगुलरिटी के साथ आपको काम करना है। अब यहाँ पे जो तरीका है वो आपको अपनाना है। अब देखो, मैं आपको बताता हूँ कि आपको शॉर्ट्स वीडियो कैसे अपलोड करनी है और किस तरीके से अगर आप अपलोड करते हैं तो यकीन मानो आपका सारा वीडियो वायरल होना शुरू हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, बायटी स्टूडियो ऐप को ओपन करना है। अब ये देखो, मेरा एक ये नया चैनल है। अब आपको क्या करना है, मैं यहाँ से आपको स्टार्टिंग से सिखा रहा हूँ कि कैसे आपको काम करना है। तो आपने एक अपना शॉर्ट्स यूट्यूब चैनल क्रिएट कर लिया, अब आपको ऊपर प्लस पे क्लिक करना है। अगर आपके पास ये प्लस नहीं आ रहा है तो आप क्या करोगे, प्ले स्टोर में जाइए, इसको अपडेट कर लीजिए, आपको ये ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो प्लस पे आप क्लिक करेंगे, प्लस पे क्लिक करने के बाद आप जो भी आपका शॉर्ट्स वीडियो है उसको सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद देखो, यहाँ पे आपको विजिबिलिटी पे क्लिक करना होगा और इसे आप अनलिस्टेड कर दीजिए और यहाँ पे बैक आ जाइए, या फिर शेड्यूल भी कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, बस आपको यहाँ पे अपलोड पे क्लिक कर देना है। तो ये अपलोड हो रही है, अभी पब्लिक नहीं हुई है। अब जो सेटिंग आपको करनी है, अगर आप इसको करते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी और आपकी वीडियो 100% वायरल होगी। वो क्या है, देखो अभी यहाँ पे अपलोड हो रहा है, तो हम थोड़ी सी इसका इंतजार कर लेते हैं जब तक ये अपलोड हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए, हमारी शॉर्ट्स वीडियो अपलोड हो गई है अनलिस्टेड में, अभी ये पब्लिक नहीं हुई है। तो अब हमको क्या करना है, यहाँ पे देखो 3 डॉट पे आपको क्लिक करना होगा और यहाँ पे आपको एडिट पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको ये वायरल सेटिंग करनी है, वो ये है कि देखो, यहाँ पे आपको टाइटल पे क्लिक करना होगा।
अब आपकी जो वीडियो है जिस भी बारे में है, आपको क्या करना है, आपको इस वीडियो का टाइटल डालना है। जैसे ये जो मेरी वीडियो है वो है जिम मोटिवेशन के बारे में, तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ जिम मोटिवेशन। तो ये देखो मैंने डाला जिम मोटिवेशन। इसके बाद आपको कुछ हैशटैग लगाने होंगे, तो यहाँ पे मैं आता हूँ और यहाँ पे हैशटैग लिखता हूँ, और यहाँ पे पहले इंग्लिश सेलेक्ट लेता हूँ कीबोर्ड, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ शॉर्ट्स। तो यहाँ पे देखो जिम मोटिवेशन और हैशटैग शॉर्ट्स ये मैंने डाल दिया। यहाँ पे आपको तीन हैशटैग डालने हैं, इसके बाद आपको वायरल कौन सी सेटिंग करनी है वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो आपको सबसे पहला हैशटैग शॉर्ट्स तो लगाना ही है, क्योंकि ये आपके वीडियो जो होती है उसको शॉर्ट्स फीड में पहुंचाने में काफ़ी मदद करता है, तो आपको ये चीज़ तो करनी है। इसके बाद आपके जो वीडियो जिस चीज़ से रिलेटेड है, जैसे मेरा जो वीडियो है जिम से रिलेटेड है, वो मैं डाल देता हूँ। तो यहाँ पर मैं डाल देता हूँ हैशटैग जिम, और एक और मैं डाल देता हूँ हैशटैग वर्कआउट, तो ये मैंने डाल दिया। अब अगर आपकी वीडियो कुकिंग से रिलेटेड है तो आप हैशटैग कुकिंग डाल सकते हैं, अगर आप हेल्थ से रिलेटेड वीडियो बनाते हो तो हैशटैग हेल्थ डाल सकते हैं, या फिर टेक से रिलेटेड वीडियो बनाते हैं तो हैशटैग टेक, या जिस भी टॉपिक पे आप वीडियो बना रहे हैं उसका हैशटैग आप यहाँ पे लगा सकते हैं। अब आपको क्या करना है, ऐड डिस्क्रिप्शन पे आपको क्लिक करना होगा। अब यहाँ पे आपको सही चीज करनी है, वो क्या करनी है, देखो यहाँ पे अभी मैं इसको मिनिमाइज कर लेता हूँ, और आपको गूगल क्रोम के अंदर आना है। गूगल क्रोम के अंदर आने के बाद आपको एक वेबसाइट में जाना होगा जिसका नाम है keywordsforyou.com। इसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, यहाँ पे क्लिक करके आप डायरेक्टली इस वेबसाइट में आ जाएंगे। तो यहाँ पे देखो मैं keywordsforyou.com वेबसाइट में आ गया। अब यहाँ पे सबसे अच्छी चीज़ ये है, देखो आपने बहुत सारे ऐसे वेबसाइट या ऐप को देखा होगा जहाँ से आप अपनी वीडियो के अंदर टैग लगा सकते हैं, हैशटैग लगा सकते हैं, लेकिन ये जो वेबसाइट है ये आपको ट्रेंडिंग चीज़ें देती है जिससे आपकी वीडियो वायरल होने में काफ़ी आपको मदद मिलती है। तो आपको देखो यहाँ पे थ्री लाइन पे क्लिक करना है, और यहाँ पे देखो आपको टूल्स दिख रहा है, आपको इसको एरो पे क्लिक करना होगा। अब यहाँ पे देखो आपको काफ़ी सारी चीज़ें मिल रही है। सबसे पहली चीज़ यूट्यूब टैग जनरेटर, जहाँ से आप टैग जनरेट कर सकते हैं, वायरल टैग जनरेट कर सकते हैं। दूसरी चीज़ यहाँ पे मिलती है यूट्यूब हैशटैग जनरेटर। अब यूट्यूब हैशटैग जनरेटर आपको मैंने देखा है कि कहीं भी किसी ऐप के अंदर या वेबसाइट के अंदर नहीं मिलता, और मिलता भी है तो वहाँ पे आपको पेमेंट करनी होती है, लेकिन यहाँ पे फ्री में मिलती है, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ ये बहुत अच्छी वेबसाइट है। और अभी आपको और चीज़ें मिलने वाली है, आप देखोगे तो आपको मज़ा आ जाएगा। तो यहाँ पे है YouTube टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन एक्सट्रैक्टर, YouTube थंबनेल्स, YouTube टैग एक्सट्रैक्टर। तो फिलहाल हमको इन तीन चीज़ों की जरूरत नहीं है, ऊपर वालों की जरूरत है। तो YouTube टैग जनरेटर पे मैं क्लिक करता हूँ, और यहाँ पे देखो कुछ एड्स हो रही है, मैं इसे कट करता हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ, देखो आपकी वीडियो जिस भी टॉपिक पे है, जैसे मेरी जो वीडियो है किस टॉपिक पे है, जिम मोटिवेशन। तो यहाँ पे मैं डालता हूँ, यहाँ पे देखो आ गया, और मैं यहाँ पे डालूंगा जिम मोटिवेशन। तो ये मैं डाल दिया जिम मोटिवेशन, और यहाँ पे देखो ये आ गया। इसके बाद यहाँ पे मैं नीचे जाऊँगा और जनरेट टैग्स पे क्लिक करूँगा, तो यहाँ पे मेरे पास काफ़ी सारे टैग्स आ जाएंगे। अब देखो आपने देखा होगा बहुत सारे ऐप और वेबसाइट जब आपको टैग मिलते हैं ना, तो आपको क्या करना होता है, जब आप टैग यहाँ पे जनरेट करते हैं तो आपको नीचे ऑप्शन मिलता है कॉपी करने का, और एक साथ सारा कॉपी हो जाता है। लेकिन अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आप आए और आपको सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे देखो आप क्लिक करोगे, यहाँ पे एक को सिलेक्ट करें या फिर इसको डबल क्लिक कर दोगे तो ये कॉपी हो गया आपके पास। और आप क्या करोगे, यहाँ पे जहाँ पे आपने मिनिमाइज किया था यहाँ पे आके आपको पेस्ट कर देना है। इसके बाद आपको दूसरे लाइन पे जाना है, और दूसरे लाइन पे जाने के बाद आपको क्या करना है, फिर से इसको डबल क्लिक करना है नीचे वाले को, और सारे इसी तरीके से आपको क्या करना है, यहाँ पे देखो फिर से मैं आया और इसको मैं कर दूंगा पेस्ट। फिर मैं तीसरी लाइन पे आऊँगा और मैं क्या करूँगा, तीसरा जो टैग है उसको डबल क्लिक करूंगा तो ये कॉपी हो गया, और कॉपी होने के बाद फिर से मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इसको पेस्ट कर दूंगा। इस तरीके से आपको सारे टैग्स को क्या करना है, यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेना है। फिर से मैं देखो आता हूँ, यहाँ पे मैं आया और चौथे वाले को डबल क्लिक करूंगा, ये कॉपी हो गया, और कॉपी होने के बाद यहाँ पे मैं आया वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर दूंगा। तो इस तरीके से आपको सारे टैग को यहाँ पे पेस्ट कर देना है। इसके बाद मैं बैक करूंगा, इसके बाद आपको आना है नीचे, देखो यहाँ पे आपको मोर ऑप्शन दिख रहा है, आपको इसको क्लिक करना होगा। इसको क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए आपको ऊपर ऐड टैग्स दिख रहा है, आपको इसको क्लिक करना होगा। और इसको क्लिक करने के बाद सेम आपको क्या करना है, ये जितने सारे टैग्स आए हैं ना इनको भी कॉपी पेस्ट आपको डबल क्लिक मैंने किया, और यहाँ पे आके इसी तरीके से मैं यहाँ पे भी पेस्ट करता जाऊंगा। तो यहाँ पे देखो मैंने क्लिक किया, पेस्ट किया, और पेस्ट करने के बाद देखो यहाँ पे आपको एरो पे क्लिक करना है तो ये टैग बन जाएगा। अब दूसरी वेबसाइटों में या दूसरे ऐप में क्या होता था, आप इस तरीके से टैग नहीं लगा पाते थे, राइट। फिर इसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे आऊँगा, दूसरे टैग को डबल क्लिक करूँगा, ये मैंने मेरे पास कॉपी हो गया, और कॉपी होने के बाद यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसको पेस्ट कर दूंगा। पेस्ट करने के बाद फिर से एरो पे क्लिक करूँगा तो ये देखो दो टैग बन गए, राइट।
दो टैग बन गए। अब यहाँ पे मैं फिर से आऊंगा, तीसरे टैग पे डबल क्लिक करूंगा, ये भी कॉपी हो गया। और यहाँ पे मैंने आया, ये देखो पेस्ट किया मैंने, और यहाँ पे देखो एरो पे क्लिक करूंगा तो ये तीसरा टैग बन गया। इसी तरीके से आपको सारे टैग को यहाँ पे पेस्ट कर देना है। इसके बाद आपको बैक जाना है। अब बैक जाने के बाद एक और इम्पॉर्टेंट चीज जो आपको किसी भी वेबसाइट में नहीं मिलती, वो ये है कि हम इस वेबसाइट के अंदर फिर से जाएंगे और यहाँ पे आने के बाद आपको ऊपर थ्री लाइन पे क्लिक करना है, टूल्स पे क्लिक करना है, और यहाँ पे YouTube हैशटैग जनरेटर जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सॉरी, मैंने YouTube टैग जनरेटर को क्लिक कर दिया, तो यहाँ पे मैं YouTube हैशटैग जनरेटर पे आ जाता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, मेरा जो वीडियो है किस टॉपिक पे है, मैंने आपको बताया जिम मोटिवेशन के टॉपिक पे है। आपका वीडियो जिस भी टॉपिक पे है आप यहाँ पे डालोगे और जनरेट टैग्स पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे आपके लिए हैशटैग आ जाएंगे। और आपको क्या करना है, सिंपल सा यहाँ पे कॉपी पे क्लिक करना है। या तो आप एक एक करके कॉपी कर सकते हैं या आप सेम एक साथ कॉपी कर सकते हैं। और कॉपी करने के बाद फिर से आप डिस्क्रिप्शन सेक्शन में आएंगे और आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको नीचे आना है थोड़ी सी और यहाँ पे सबको पेस्ट कर देना है। अब पेस्ट करने के बाद यहाँ पे एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपको ध्यान देनी है, ये जितने भी एरो के निशान है ना आपको इसको हटा देना है। तो यहाँ पे मैं आता हूँ और यहाँ पे देखो एरो दिख रहा है, इसको मैं कट किया, फिर यहाँ पे मैं आया इस एरो को हटा दिया, यहाँ पे आया एरो को हटा दिया। तो सारे एरो को आपको हटा देना है, क्योंकि अगर आप एरो रखते हैं ना तो ये जो होता है मिसलीडिंग मेटा डेटा कैटेगरी पे आता है जो आपके चैनल के लिए सही नहीं है। तो आपको क्या करना है, जितने भी एरो आपको देखने को मिले आपको सबको इस तरीके से हटा देना है। तो यहाँ पे देखो मैंने एक एक एरो हटा दिए हैं, आपको भी इसी तरीके से करना है। तो यहाँ सारे एरो हट गए हैं, तो यहाँ पे मैंने टैग्स भी लगा दिया, हैशटैग भी लगा दिया। तो यही चीज़ है जो हमारी वीडियो को वायरल होने में मदद करेगी। अब जब ये आपकी सेटिंग हो जाती है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे विजिबिलिटी भी आपको क्लिक करना है, और विजिबिलिटी पे क्लिक करने के बाद आपको पब्लिक कर देना है। अब यहाँ पे मैं बैक करता हूँ, बैक करने के बाद जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि मोर ऑप्शंस पे आपको क्लिक करना है, और आपकी वीडियो जो है जिस भी कैटेगरी पे है, जैसे अभी मैं जो बना रहा हूँ वो जिम एंड फिटनेस की वीडियो में बना रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं जाऊँगा और यहाँ पे मुझे एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा इंटरटेनमेंट का, तो मैं इंटरटेनमेंट सेलेक्ट कर लूँगा। क्योंकि भले मेरी जो वीडियो है जिम मोटिवेशन के टॉपिक पे है, लेकिन मेरी जो वीडियो है उस पर कॉमेडी है, तो इसलिए मैं इंटरटेनमेंट सेलेक्ट कर लेता हूँ। अगर आपकी वीडियो एजुकेशन कैटेगरी की है तो आप एजुकेशन कर लीजिए, कॉमेडी है तो कॉमेडी कर लीजिए, जो भी आप चाहते हैं, जो भी आपके वीडियो की कैटेगरी है उसको आप सेलेक्ट कर लीजिए। तो मैं इंटरटेनमेंट सेलेक्ट करता हूँ, इसके बाद मैं बैक करूँगा और ऊपर सेव कर दूंगा, तो ये वीडियो पब्लिश हो जाएगी। और पब्लिश होने के बाद आपको इसी तरीके से अपनी सारी वीडियो को अपलोड करना है, रेगुलर आपको काम करना है। यकीन मानो आपकी वीडियो पे जो अचानक से व्यूज रुकते हैं ना, वो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और आपकी वीडियो पे अच्छे खासे व्यूज आना शुरू हो जाएंगे। तो आई होप यहाँ पे जो मैं आपको जानकारी दिया हूँ ये आपको समझ में आ गई होगी, और यही एक जेन्युइन तरीका है। आपको बहुत सारे लोग वीडियो बना के YouTube में दिखाते हैं, वो गलत तरीके होते हैं। आपकी वीडियो पे अचानक से व्यूज एक दो वीडियो में आ जाएंगे लेकिन आपका चैनल डेड हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है, जो मैं आपको तरीका बताया हूँ आपको सारी वीडियो पे इस तरीके को अपनाना है। तो आई होप दोस्तों वीडियो आपको समझ में आ गई होगी और पसंद आई होगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें, और मन में कोई भी सवाल है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगा। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।